हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजेंद्र। मैं हूं सुनील। और दोस्तों, एक नया वीडियो आ गया है दबंग 3 से, और इसमें है चुलबुल का रोमांस। अब यार, दबंग का हमने रोमांस तो बहुत कम देखा है। इनका देखा हमने एक्शन वाला मोड हमेशा, और दबंग वाला रिएक्शन कि मारने पीटने वाले ऐसे दिखाते हैं कि हाँ भाई, तुम कहाँ बचोगे, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। और रोमांस में तो फिल्म सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा है। वो सोनाक्षी सिन्हा हमें बहुत देर से दिखी नहीं थे अभी तक। हमने जितने भी देखे, हमने गाने वाने देखे, उसमें दिख नहीं रहे थे। इसमें दूसरी एक्ट्रेस थी वो दिख रही थी हमें, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा नहीं दिखी थी। वही हम सोचे थे कि दबंग 3 में सोनाक्षी सिन्हा हमें दिख नहीं रही है, तो क्या बात है, कहाँ गई है। क्योंकि दबंग 2 में तो इनका बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि जिस हिसाब से दिखती है वो, यार सोनाक्षी सिन्हा उनका जो फेस कट है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है यार। उसमें बिल्कुल अलग दिखते हैं वो, और ऊपर से यार सलमान भाई के डोले शोले ऐसे दिखते हैं यार, क्योंकि और ये लास्ट में दिखता है यार। और इसमें जब थंबनेल में दिख रहा है इनका यार, एक साइड से तो हाफ स्लीव पहन के, तो कुछ ना कुछ धमाकेदार होना ही है। बाकी देखते हैं रोमांस क्या है, देखते हैं चुलबुल का रोमांस क्या है। रोमांस बिटवा चोर पुलिस खेल सीख रहा है, हम भी तुमको कुछ सिखाएं। इस उम्र में सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। हमको ऐसा कुछ पिलाओ कि हम दोनों की पर्सनालिटी को शोभा दे, हमका बेबी और इनका सुपर सेक्सी। क्या मांगा, क्या खिलाया छोटा था और उनके लिए बड़ा। और आई थिंक ये जो लोकेशन है शायद राजस्थान की लग रही है मुझे, जिस हिसाब से दिख रहा है किसी किले की शूटिंग है यार ये, क्योंकि मेन चीज जिस हिसाब से ये जो किला दिखता है, तो फिर ये आमेर के उधर का राजस्थान जयपुर का हो या फिर जोधपुर के फोर्ट का है, क्योंकि वहीं पे थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा ही दिखता है। और जो लोकेशन थी साइड वाली वो ऐसी वहीं की है, वहाँ के किले की। और जैसे इनका थीम रहता है थोड़ा रेड रेड सा, वैसा ही थीम है भाई दबंग 3 का। और जो यार स्टार्टिंग बहुत सही दिखाई है कि ध्यान सीधे कमर पे ही गया है, सीधे जाके वही हाथ लगा ऐसे करके। सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, चोर पुलिस का खेल सीख रहा है, तो कह रहे हम तुमको भी कुछ सिखा दे यार। ये थोड़ी ना एक यूपी टच वाली जो लैंग्वेज है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि हाँ थोड़ा सा बिल्कुल रोमांटिक होके हमका मतलब, यानी ये हमका, यानी एक चीज देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी है कि हम, यानी मैं अपने लिए बात करूंगा ना, तो हम, मैं ऐसे बोलूंगा कि हम आपको बता रहे हैं। भाई हम नहीं यार, अगर मैं अकेला भी हूँ तो पता ही नहीं, हम अकेला हम यार यहाँ पे मैं मेन क्या था कि आई, यानी मैं, ठीक है वो आई या मी करो यार, वहाँ पे वी कर देते हैं। यूपी में वो एक मतलब खुद को भी इज्जत देने वाला वो है। और लैंग्वेज बड़ी अच्छी होती है यार, जो भी होती है ना, बिल्कुल प्यारी सी है। जो थोड़ी सी उधर साउथ जैसे ईस्ट की तरफ जाते हो, ईस्ट यूपी में या फिर बिहार में, तो मैथिली लैंग्वेज और भोजपुरी आ जाती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टच वैसा हो जाता है, बहुत अच्छी आती है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है कानपुर और लखनऊ तक की वाली है, तो इसमें जो कहते हैं ना कि हम तुमको सिखा दे खेल करते इस उम्र में, तो यार एक चीज है, रोमांटिक मूड का कोई उम्र नहीं होती है। मान लो ठीक है सलमान भाई की हो गई है उम्र, मतलब ये नहीं है कि वो इस उम्र में सिखा नहीं सकते, अभी यंग है यार, वो यूथ है, युवा नेता बन सकते हैं आज के डेट में, युवा हीरो जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो जब तक कमा रहे हैं राहुल गांधी जी को ले लो यार, वो यूथ लीडर है आज की डेट में, ठीक है। मोदी जी को बोल देते हैं कि भाई मोदी, ठीक है भाई नरेंद्र मोदी, नहीं ऐसे बोल देते हैं आजकल लोग कि भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब यार मैं वही चीज कहता हूँ, जब भाई नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, वो दादाजी की उम्र के हो गए, राहुल भाई अंकल की उम्र के हो गए, तो ये यूथ लीडर में चल रहे हैं अभी, तो यार हम लोग सलमान भाई को क्या क्या नहीं बोल सकते कि वो यंग है अभी। और बस यार तुम उनको देख लो, कोई देख के कह ही नहीं सकता, कह नहीं सकता कि वो उनकी कुछ 50 क्रॉस करी उन्होंने। और यार उनको भी छोड़ो यार, ऋतिक को कौन कह सकता 46 या 47 के, उनका लुक ही देखो यार, उनका लुक देख कर तो यार लड़कियां अभी भी ऐसे पागल है, 19 साल की 20 साल की लड़कियां ऐसे कहती है मुझे तो ऋतिक से शादी करनी है। और सलमान भाई के भी हमारे बहुत ही भाई लड़कियां बहुत ही फैन है और बहुत ही पीछे लगी सलमान भाई के, ऐसे सीन होंगे ना, ऐसे सीन होंगे तो ऑब्वियसली बात है सलमान पता दुनिया मरती है, लड़कियां तो कोई कमी नहीं है, लड़कियां तो मरती हैं, लड़कों का पता नहीं है, जो कोई होगा इधर उधर का तो पहुंच जाए भाई, लेकिन हम वैसे कह नहीं सकते, ठीक है।
तो वीडियो में दिखाया है चुलबुल का रोमांस थोड़ा सा हमें देखने को मिला है। तो ये छोटा सा वीडियो था 30 सेकंड का, ज्यादा लंबा नहीं था, तो इस पे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। और सलमान भाई के फैन तो भाई ये वीडियो देखेंगे और आप हमें बताएं नीचे लिख के कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और साथ के साथ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट कट के वीडियोस के रिएक्शन पाने के लिए, और हम जो नए नए गानों के रिएक्शन करते हैं उनको जरूर देखें। साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का नोटिफिकेशन का जो बटन है वो जरूर दबाएं, और लाइक करें वीडियो को। सलमान भाई के फैन हो तो लाइक करना तो बनता है भाई। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।